हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो स्मार्टफोन जिंदगी की जरूरत बन चुकी है इस टाइम, और डेली तकरीबन लोग सोचते हैं कि हम 30 या 40 हजार रुपए की रेंज में मोस्टली लोग सोचते हैं कि हम कौन सा फोन बाय करें कौन सा नहीं। तो आज आपको ये वीडियो हेल्प आउट करने वाली है कि आपको मिड रेंज में कौन से फोन अच्छे मिलने वाले हैं कौन से नहीं। इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Xiaomi का Redmi Note 5 और Vivo का V9। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी इस तरह की तमाम वीडियोज मिल सकें। Assalamualaikum everyone, this is Ali from Masek। मैं आज आपको बताऊंगा स्पेसिफिकेशन के बारे में। दो कंपनीज की डिवाइसेस लेके आया हूं, एक है Vivo का V9 और दूसरा है Xiaomi का Redmi Note 5। सबसे पहले मैं Redmi Note 5 के बारे में बताता चाहूं, जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में Redmi Note 5 Pro आएगा तो प्लीज जान लीजिए पाकिस्तान की मार्केट में ग्लोबली वर्जन जो आएगा वो आएगा Redmi Note 5 के नाम से। जी हाँ गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को V9 की स्पेसिफिकेशन के साथ। तो Vivo V9 में आपको डिस्प्ले जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 19:9 की रेशो का। जी हाँ दोस्तों, 19:9 की रेशो में आपको डिस्प्ले मिलने को देखने को मिलेगा जो सपोर्ट करता है 1080x2280 के पिक्सल्स को, 400 PPI होगा। और ऑल ओवर बात करेंगे इसकी स्क्रीन की तो आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा। जी हाँ, इसके अंदर आपको फ्रंट साइड पर नॉच देखने को मिलेगी डिस्प्ले में। और अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 626 जो कि सपोर्ट करता है जीपीयू के साथ एड्रीनो 506 पे। जी हाँ, ये 14 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर होगा। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी में मिलने वाली है आपको 3280 mAh की बैटरी। और चार्जिंग पोर्ट देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगी 2.0 की। अब कैमरा का बात करेंगे तो कैमरे में आपको मिलने वाला है फ्रंट साइड पर 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विदाउट एलईडी लाइट। इसके डिस्प्ले की जो लाइट होगी वही एलईडी का काम करेगी। और इसके अंदर आपको रियर साइड पर देखने को मिलेंगे डुअल वर्टिकल शेप में कैमरा। एक कैमरा सपोर्ट करता है 16 मेगापिक्सल को, और डेप्थ इफेक्ट के लिए जो वीवो ने कैमरा दिया आपको वो दिया 5 मेगापिक्सल का, जो कि अपर्चर सपोर्ट करते हैं f/2.0 को। जी हाँ, इसके अंदर आपको HDR रिकॉर्डिंग मिलने वाली है रियर कैमरे में, और फ्रंट साइड कैमरे में आपको मिलता है 1080p/30fps पर रिकॉर्डिंग का सिस्टम। अब बात करते हैं Note 5 Pro की स्पेसिफिकेशन की, तो Note 5 Pro में भी आपको सबसे पहले जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो मिलता है 5.99 इंचेस का, जो 18:9 की रेशियो पर आता है। ये सपोर्ट करता है 1080x2160 को, जो कि PPI सपोर्ट करेगा 409 का। फ्रंट साइड पे आपको अच्छी लुक मिलेगी। दूसरी बात करेंगे प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा 636 स्नैपड्रैगन। जी हाँ, ये वही प्रोसेसर है जो रिसेंटली स्नैपड्रैगन की तरफ से लॉन्च किया गया। ये भी 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। इसके अंदर आपको जीपीयू देखने को मिलेगा एड्रीनो 509 का। अब बात करते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी आपको मिलती है 4000 mAh की लिथियम आयन बैटरी। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 2.0 USB कनेक्टर, जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। 3 वोल्ट 5 एम्पीयर के साथ फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। अब बात करेंगे इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट साइड पर आपको नोट 5 में जो मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि AI को सपोर्ट करेगा। और इसके अंदर आपको मिलने वाली है फ्लैश लाइट के साथ LED लाइट सामने साइड मिलेगी आपको। रियर साइड की बात करेंगे तो रियर साइड में आपको देखने को मिलेगा डुअल वर्टिकल कैमरा, जो कि सपोर्ट करता है 16+5 मेगापिक्सल डेप्थ इफेक्ट के साथ। और एक खास बात इसके अंदर बताते जाए, इसके अंदर माइक्रोन इस्तेमाल किए गए हैं 1.4 माइक्रोन। जी हाँ, 1.4 माइक्रोन के साथ मिलेगा, जो कि अपर्चर सपोर्ट करता है f/1.9 का, और फ्रंट साइड का जो अपर्चर सपोर्ट करेगा वो f/1.7 का। जी गाइस, ये थी स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं प्राइस की, तो V9 आपको पाकिस्तान में की मार्केट में मिलेगा 4GB और 64GB के वेरिएंट में 38,000 से 40,000 रुपए की प्राइस में एक्सपेक्टेड प्राइस आ रही है अभी तक। और Note 5 Pro की जो प्राइस आएगी उसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन अभी तक जितनी भी सर्च की गई है इस बारे में इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा 3GB और 32GB, दूसरा वेरिएंट मिलेगा 4GB और 64GB। और 3GB और 32GB की जो प्राइस होगी लगभग पाकिस्तान में 24,000 से 25,000 रुपए के करीब होगी, और जो 4GB 64GB होगा वो आपको मिलेगा 30,000 रुपए की प्राइस में। अब बात करते हैं इनके कंपैरिजन की, तो मैं सबसे पहले जो मैंने बात की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको वीवो के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, जो कि 19:9 की रेशो में। ये फ्रंट साइड पर इसके नॉच होगी आईफोन एक्स की तरह,
बहुत प्रीमियम लुक देगा आपको फ्रंट साइड से। और अगर आप बात करते हैं नोट 5 की, तो नोट 5 में आपको 18:9 की रेशो का डिस्प्ले मिलेगा। ये वो डिस्प्ले है जो पिछले साल की ट्रेंडिंग में है। विवो ने कुछ चेंज लाया डिस्प्ले में, लेकिन नोट 5 प्रो में बात करूंगा तो आपको 18:9 के साथ साथ फ्रंट पर सेल्फी लाइट देखने को मिलेगी कैमरा में, जो कि आपको विवो V9 में नहीं मिलती। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो विवो V9 में आपको स्नैपड्रैगन मिल रहा है 626, लेकिन ये कुछ पुराना प्रोसेसर है एज कंपेयर टू नोट 5 के प्रोसेसर के साथ। नोट 5 में आपको मिलता 636, जो कि अभी लास्ट ईयर ही स्नैपड्रैगन की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसके जो क्लॉक स्पीड जो आती है 2.0 octa-core पे, इसकी 8K कोर्स काम करेंगी क्लॉक स्पीड पे। तो थम्स अप टू Xiaomi। और अब बात करते हैं इसके ओवरऑल बैटरी की, तो बैटरी आपको Xiaomi में, Xiaomi के जितने भी फोन्स आपको मिलते हैं वो एक बड़ी बैटरी के साथ मिलते हैं। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देते हैं, और नॉर्मली जो इनके 625 से ऊपर के प्रोसेसर जो इस्तेमाल करता है Xiaomi, सभी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं 3 एम्पीयर और 5 वॉट के साथ। अगर बात अब वीवो की करेंगे बैटरी की, तो 3280 mAh की मिलती है, डिस्प्ले काफी बड़ा है, तवक्कोआत मेरी बहुत सारी है वीवो के साथ, लेकिन अगर देखा जाए डिस्प्ले को और बैटरी को तो बैटरी काफी कम दी वीवो ने, और इसमें कोई आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं कैमरे की, तो वीवो सेल्फी में बहुत अच्छा रहा, पिछले साल भी पाकिस्तान के अंदर रूल किया सेल्फी कैमरा में, लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो इन दोनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि जो वीवो का 24 मेगापिक्सल होगा वो आपको सपोर्ट मिलेगा अपर्चर f2.0 के साथ, और Xiaomi में आपको मिलेगा 1.7 का 13 मेगापिक्सल का विद AI कैमरा। AI दोनों के अंदर ही आता है, लेकिन Xiaomi ने दावा किया है कि हमारा ये बहुत अच्छा सेल्फी फोन होने वाला है, तो लेट्स होप कि आपको बहुत अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिले। और अब बात करते हैं रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे में आपको वीवो V9 के अंदर मिलेगा आपको फुल HD रिकॉर्डिंग की मिलेगी आपको 30 FPS पे 2160 के साथ, बहुत अच्छा फ्रेम रेट है। और अगर नोट 5 प्रो को देखेंगे तो ये सपोर्ट करेगा 2160 को 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो थम्स अप टू बोथ ऑफ दिस फोन, वो आपको बहुत अच्छी वीडियोस देने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑल ओवर प्राइस की, तो मेरा वोट हमेशा ही Xiaomi के साथ इस वजह से रहा कि इसके अंदर आपको बहुत कम बजट रेंज में बड़े सस्ते पैसों में आपको बहुत अच्छा हार्डवेयर प्रोसेसर और आपको कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो मैं तो बाय करूंगा Redmi Note 5, जी हाँ गाइज मैं बाय करूंगा Redmi Note 5। राय आपकी, अगर आप Vivo यूजर हैं तो Vivo को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उतने ही प्राइस में मुझे 2 Note 5 मिल सकते हैं। या गाइज ये थी आज की वीडियो, मेरा काम था आपको गाइड करना, दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं अब्बास मास्टर से, अल्लाह हाफिज।